हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज श्वेता ठाकुर, योर सोशल साइंस एजुकेटर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सभी वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, दैट टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। वी आल्सो प्रोवाइड यू सीबीएसई एंड अदर स्टेट बोर्ड लाइक यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज विद डेली प्रैक्टिस पेपर। एंड हमारे पास ई बुक्स और ई नोट्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आज हम लोग क्लास 9 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का जो हमारा चैप्टर है, पीपल एज रिसोर्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करने वाले हैं। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की साइड। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज अ रिसोर्स। आप क्या समझते हैं पीपल एज अ रिसोर्स से? देखिए, पीपल एज अ रिसोर्स एक वर्किंग पॉपुलेशन होती है कंट्री की। देखिए, कंट्री की अगर हम लोग बात करें, राइट, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होता है किसी भी पॉपुलेशन का। गवर्नमेंट को चाहिए उसको एक अच्छा रिसोर्स बनाने के लिए, हेल्थ केयर पे, राइट, उसकी एजुकेशन पे एंड स्किल, स्किल्स एंड ट्रेनिंग पर जो है अगर गवर्नमेंट जो है खर्चा करती है, तो वो एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल जो है वो बनाती है, पीपल को एक अच्छा रिसोर्स बनाती है। तो देखिए, पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्री की कौन सी पॉपुलेशन मैम? वर्किंग पीपल जो होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज के थ्रू, राइट। अगर हम लोग बात करें ह्यूमन रिसोर्स जो है, ह्यूमन रिसोर्स मैम इज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन लाइबिलिटी। वो कोई जिम्मेदारी नहीं है। मींस अगर देखिए, आप पॉपुलेशन को कैसे देखते हो, कुछ लोग क्या होते हैं, हाउ यू सी द वर्ल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। आप दुनिया को कैसे देखते हो, तो कुछ लोग उसको नेगेटिव वे में देखते हैं। जैसे अब हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है आज के टाइम में। तो अगर हम लोग देखें तो कुछ लोग, अरे इस देश के पास तो बहुत ज्यादा भीड़ है, वो पॉपुलेशन को कैसे देख रहे हैं, एज अ भीड़, नेगेटिव सेंस में देख रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव वाले देख रहे हैं, और वो कैसे देखेंगे उसको, कि भाई उस पे बहुत खर्चा करने पड़ेगा, फूड पे, गरीबी मिटाने में, बहुत सारी चीजों को नेगेटिव को देखा जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए, एक बड़ी पॉपुलेशन मींस अगर वो पॉपुलेशन प्रोडक्टिव है, मींस गवर्नमेंट ने उस पे खर्चा किया है, उसको बहुत एजुकेटेड किया है, एक हेल्दी पॉपुलेशन बनाई है, तो वो ही जो है वो नेशनल इनकम में बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव है, वही उसी कंट्री के लिए जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। सब जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, सबसे बेस्ट सुपीरियर रिसोर्स कौन सा होता है? ह्यूमन रिसोर्स। लेकिन उस पे हमें क्या करनी पड़ती है मैम? इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट किस बेसिस पे मैम? एजुकेशन पे मैम, हेल्थ पे, उनके स्किल्स को इम्प्रूव करवा के, और वो बनती है एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है मैम एक असेट है फॉर द इकोनॉमी रेदर देन अ लाइबिलिटी। पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल कब बन जाती है? वो मानव पूंजी कब बन जाती है? व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट की जाती है, मेड इन द फॉर्म ऑफ किस बेसिस पे मैम? एजुकेशन के बेसिस पे, अपने जो जितनी भी पॉपुलेशन उसको एजुकेट किया जाए, ट्रेनिंग के थ्रू, मेडिकल केयर के थ्रू, राइट। एक अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन और मैम ट्रेनिंग, हमारे पास होगा एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बेडेड इन देम। देखिए, उनके पास नॉलेज होता है, और नॉलेज के थ्रू ही ह्यूमन बीइंग ही है जो किसी भी बाकी सभी चीजों को अपने नॉलेज के थ्रू एक करके जो है प्रोडक्टिव बनाते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? हाउ इज ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। तो देखिए, लैंड एंड फिजिकल कैपिटल से ह्यूमन रिसोर्स कैसे अलग होता है? लैंड एंड फिजिकल कैपिटल को भी वर्किंग कौन बनाएगा? वेरी इजी। लैंड अपने में क्या कुछ कर सकती है? जमीन खुद से कहीं जा सकती है, खुद से कुछ कर सकती है, या कैपिटल खुद से जाके इन्वेस्टमेंट कर सकता है? नहीं। इन सबको पुट टुगेदर कौन करेगा मैम? ह्यूमन बींग करेंगे, अपने नॉलेज के थ्रू, अपनी एक्सपर्टीज के थ्रू, राइट। तो देखिए, ह्यूमन रिसोर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स कैन यूज एडिशनल रिसोर्सेज टू गिव आउट प्रोडक्टिव आउटपुट। वो ही एडिशनल रिसोर्सेज को लाएंगे और उसको क्या बनाएंगे? प्रोडक्टिव बनाएंगे।
However, resources like land and physical capital depend on human resource पर depend करते हैं use and cannot give any productive output. भाई वो खुद से कुछ नहीं कर सकते, right? कौन उनको together करेगा, कौन उनका use कर सकता है, कौन उनको working बनाएगा? Ma'am, we know humans. राइट, तो ह्यूमन कैपिटल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सबसे सुपीरियर है. राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है. व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. तो मैम क्या रोल है एजुकेशन का इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में? क्यों नहीं भाई, एक एजुकेटेड यूथ क्या नहीं कर सकता अपनी कंट्री के लिए. अगर हम बात करें द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आर एज फॉलोज. सबसे पहले एन एजुकेटेड सोसाइटी फैसिलिटेट बेटर डेवलपमेंट प्रोग्राम. ऑब्वियसली जब एजुकेटेड लोग होंगे वो अपनी बातचीत से कैसे सोसाइटी बनाएंगे. बातचीत यानी कि सामने सामने बैठ के, मीन्स वो अपने ब्रेन से इतनी अच्छी पॉलिसीज निकालेंगे, ठीक है, कि जो किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी. एजुकेटेड होंगे तो हर डायमेंशन से, हर एस्पेक्ट से वो उसको सोच पाएंगे. राइट, अगर बात करें एजुकेशन इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉस्पेरिटी एंड ऑल्सो इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो एजुकेटेड होंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होगा. राइट, आप एजुकेटेड हैं, आप अच्छी जगह काम करेंगे, अच्छी जगह काम करेंगे आपके पास जो एक अच्छी वेल्थ होगी, वेल्थ होगी तो मैम आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा ही होगा. राइट, इट डज नॉट ओनली, इट डजंट ओनली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द पीपल बट ऑल्सो द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एज अ होल. एक एजुकेटेड पर्सन या एजुकेटेड सोसाइटी जो होती है वो सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचती है. ट्रू एजुकेटेड सोसाइटी, राइट, ट्रू एजुकेटेड सोसाइटी का मतलब ये है कि जो सही मायने में एजुकेटेड है वो सिर्फ अपने डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचते, वो मीन नहीं होते, वो ओवरऑल मैम सबके डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं. राइट, एजुकेशन इंक्रीज इनकम एंड अदर कल्चरल रिचनेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल. तो एजुकेशन जो है मैम वो इंक्रीज करती है क्या, इनकम. मैं बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ, मैंने और डिग्रीज ली हैं, मैं आगे से आगे जो है मेरा प्रोफेशन जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. इन द सेंस कि देखिए आप पीएचडी कर रहे हैं, आप प्रोफेसर लग रहे हैं किसी कॉलेज में, तो इस तरीके से जितने आप एजुकेटेड होंगे उतना ज़्यादा है आपके पास स्कोप्स, ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे. राइट, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. हेल्थ का क्या रोल है भाई? एक हेल्थी पॉपुलेशन जो होती है मैम वो ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करती है. राइट, वो फुल पोटेंशियल लगा देती है अपना काम करने में. तो हर किसी को क्या चाहिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई कंट्री हो, उसकी पॉपुलेशन जब अगर हेल्दी होगी तो मैम वो मोर एफिशिएंसी के साथ जो है वो काम कर पाएगी. राइट, तो देखिए रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आर एज फॉलो. अगर हम देखें, ओनली अ हेल्दी पर्सन कैन वर्क एफिशिएंटली एंड विद फुल पोटेंशियल. तो देखिए ओनली अ हेल्दी पर्सन कैन वर्क एफिशिएंटली एंड विद फुल पोटेंशियल. इससे तो अगर आप अपना ही एग्जाम्पल ले, चलिए मान लीजिए काम की ही बात ना करें, जब आप स्कूल जाते हैं या कभी जब आपका बिल्कुल आप अच्छे, आपकी तबीयत आज बिल्कुल ओके, बिल्कुल ठीक हो, आप हेल्दी हो, तो आपको कितना अच्छा लगता है, आपको घूमना भी अच्छा लगता है, सब कुछ करना अच्छा लगता है, स्कूल में जाके आप अच्छे से पढ़ते भी. लेकिन जिस दिन आप बीमार होते हो, थोड़े से भी हम बीमार होते तो हम कैसे बिहेव करते, हमारा थोड़ा चिड़चिड़ा सा बिहेवियर रहता है मैम, हम थोड़ा सा इतना अच्छा फील नहीं कर पाते, ज़्यादा सोचते नहीं है, ज़्यादा टाइम सोने में टाइम स्पेंड करते हैं, दूसरों से बात करना पसंद नहीं करते. तो अगर ऐसे ही अनहेल्दी पर्सन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे तो वो क्या लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करेंगे? नहीं बिहेव करेंगे. क्योंकि एक्चुअली अगर आपकी एक हेल्दी बॉडी ही होती है तो एक हेल्दी माइंड होता है, आप अच्छे से रहते हो, खुश खुश रहते हो, सबसे बात करते हो, अच्छे से काम करते हो फुल एफिशिएंसी एंड फुल पोटेंशियल के साथ. राइट, तो देखिए अ हेल्दी पर्सन कैन वर्क इन अ मोर इफेक्टिव मैनर. ज्यादा इफेक्टिव मैनर में वो काम कर सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से सोचेंगे, ज्यादा अच्छे से काम करेंगे. अ हेल्दी पर्सन कैन वर्क इन अ प्रोडक्टिव वे में काम करते हैं. वो इतने अच्छे से काम करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, बहुत सारा सोच समझ के अच्छे से काम करते हैं. राइट, एंड द अनहेल्दी पर्सन बिकम्स अ लाइबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्री. जो अनहेल्दी पर्सन है वो तो खुद एक
जिम्मेदारी बन जाते हैं किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंट्री के लिए। सो क्या चाहिए हमें, एक हेल्दी बॉडी चाहिए, एक हेल्दी माइंड चाहिए जिससे हम लोग काम कर सके, राइट। तो हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसमें मैम, ह्यूमन कैपिटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, व्हाट पार्ट डज हेल्थ प्ले इन द इंडिविजुअल वर्किंग लाइफ। तो कौन सा क्या क्या है, व्हाट पार्ट डज हेल्थ प्ले इन द इंडिविजुअल की वर्किंग लाइफ में प्ले करते हैं। तो देखिए, हेल्थ की अगर बात करें मैम, हेल्थ कैन बी डिस्क्राइब एट अ स्टेट ऑफ फिजिकली, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, हेल्थ क्या होता है मैम, इस हेल्थ का ये मतलब नहीं कि बॉडी से है, ठीक है, हम मेंटली भी स्ट्रांग होने चाहिए, राइट, हम फिजिकली भी स्ट्रांग होने चाहिए एंड सोशली भी, राइट, वेलबींग एंड नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीजेस। सिर्फ ये नहीं होता कि बीमारियां नहीं हैं तो भाई अगर बीमारी है कोई तो मैं अनहेल्दी हूँ, राइट। एक हेल्दी पर्सन ये नहीं होता कि हाँ भाई कोई बीमारी नहीं है, आप मेंटली, फिजिकली और हर तरीके से, सोशली जो है, आप एक अच्छे इंसान होने चाहिए, आप मतलब फिट होने चाहिए तीनों साइड से, राइट। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एन इंडिविजुअल लाइफ, एक इंडिविजुअल की लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। तो हेल्थ की, हेल्थ का मतलब क्या है, सिर्फ ये नहीं है कि भाई मुझे तो कोई बीमारी नहीं है मैम मैं तो हेल्दी हूँ, आप फिजिकली के साथ साथ आप मेंटली भी हेल्दी होने चाहिए, आप सोशली इंटरैक्टिव भी होने चाहिए इन अ पॉजिटिव वे, राइट। रोल ऑफ हेल्थ इन द इंडिविजुअल्स वर्किंग लाइफ अगर देखें, अ हेल्दी पर्सन कैन यूज फुल पोटेंशियल इन हिज वर्क। एक हेल्दी पर्सन क्या करेगा मैम, वो फुल पोटेंशियल जो है वो यूज करेगा अपने काम में, ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करेगा एज कंपेयर टू अनहेल्दी पर्सन, राइट। उसके बाद अ हेल्दी पर्सन कैन फाइट इलनेस एंड डिसीजेज इन अ बेटर वे एंड हैज अ बेटर इम्यूनिटी। अगर हम बात करें, एक जो हेल्दी पर्सन होता है कैन फाइट इलनेस, वो अच्छे से बीमारियों से लड़, क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग है ना। अगर कई बार क्या होता है, जब आप अपने क्लासरूम में जाते हो विंटर्स में स्पेशली, कुछ बच्चे होते हैं, बहुत सारे 2-3 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत जल्दी खांसी जुकाम हो जाता है, लेकिन कुछ होते हैं जिनको टाइम मतलब नहीं होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनमें जो है उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, उनकी जर्म से लड़ने की कैपेसिटी स्ट्रांग है और वो उनको जल्दी से वो कैच, कफ एंड कोल्ड जो है वो कैच नहीं होता है, राइट, नहीं पकड़ता है मतलब, ठीक है। तो अगर हम देखें, एक हेल्दी पर्सन जो है कैन फाइट इलनेस एंड डिसीजेज इन अ बेटर वे एंड हैज बेटर इम्यूनिटी मैम उनकी होती है। अ हेल्दी पर्सन कैन इंक्रीज हिज प्रोडक्टिविटी एंड देयर बाय कैन अर्न अ हायर इनकम। एक हेल्दी पर्सन जो होता है वो अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकता है और उसके जो इनकम होगी, अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो मैम क्या होगा, उसकी जो है इनकम भी हायर ही होगी, राइट। कंपनी खुश रहेगी उनसे कि भाई अच्छा काम करे, अगर कोई भी किसी कंपनी के लिए प्रोडक्टिव होगा तो कंपनी क्या करेगी, उनकी सैलरी ऑब्वियसली मैम इंक्रीज ही करेगी, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, What are the various activities undertaken in the primary sector, secondary sector and tertiary sector? हमारी economic activities के 3 sectors होते हैं, primary sector, secondary sector and tertiary sector. Primary sector वो sector होता है जो directly associated होता है किससे, nature से, natural resources से, जैसे कि मैम agriculture हो गया, fishing हो गया, forestry हो गया, ये किसका part है मैम, primary sector का। राइट, प्राइमरी सेक्टर में देखें मैम, हमारा एग्रीकल्चर हो गया, राइट, और क्या है मैम, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग है, माइनिंग है, सारे किससे एसोसिएटेड है मैम, ये सारी चीजें एसोसिएटेड है किससे, हमारे नेचर से, डायरेक्टली एसोसिएटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मैम, हमारा सेकेंडरी सेक्टर, राइट, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, जहां पे क्या होती है मैम, मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, जहां पर मैम क्या होता है, रॉ मटेरियल को
कन्वर्ट किया जाता है किस में? फिनिश्ड गुड में. किस में मैम? फिनिश्ड गुड में. राइट, फिनिश्ड गुड में जिसको कन्वर्ट किया जाता है. उसके बाद जाएं तो किस में मैम? टर्शरी सेक्टर में. टर्शरी सेक्टर क्या है मैम? ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर के लिए मैम. एंड टर्शरी सेक्टर को हम एक और नाम से जानते हैं, सर्विस सेक्टर, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या प्रोवाइड करवाई जाती है मैम? सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है. राइट, आपका ट्रांसपोर्ट हो गया मैम, फिर हमारा स्टोरेज हो गया. ट्रांसपोर्ट है मैम, स्टोरेज है, और क्या है हमारा मैम? डॉक्टर हो गए, टीचर्स हो गए, जितनी भी सर्विसेज हैं, टीचर्स, बैंकिंग, ये सब किसका पार्ट है मैम? ये सब है किस में आते हैं? टर्शरी सेक्टर में आते हैं. तो प्राइमरी सेक्टर जो डायरेक्टली एसोसिएटेड है मैम किसके साथ? नेचर के साथ, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ. राइट, जैसे कि मैम हमारा एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग हो गया. सेकेंडरी सेक्टर जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पे रॉ मटेरियल को जो है कन्वर्ट किया जाता है मैम फिनिश्ड गुड में, जो कि जैसे रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है मैम? फिनिश्ड गुड में. उसके बाद टर्शरी सेक्टर जिसे हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, डॉक्टर्स, टीचर्स, ये सब किसका पार्ट है मैम? टर्शरी सेक्टर का पार्ट है. टर्शरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर के. राइट, तो देखिए द वेरियस एक्टिविटीज दैट कम अंडर द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर आर एज फॉलो. कौन कौन सी है मैम? सबसे पहले आते हैं प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, ठीक है, खेती बाड़ी जो होती है हमारी. राइट, फॉरेस्ट्री जिसमें हम फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज करते हैं मैम. एनिमल हस्बेंड्री, हम एनिमल्स को पाल रहे हैं. फिशिंग हो गया, पोल्ट्री हो गया जिसमें हम किसको मतलब हमारी जो मुर्गियां पालन होता है. राइट, उसके बाद फार्मिंग एक्टिविटीज हो गया, माइनिंग हो गया, क्वेरिंग हो गया, ये सब किसका पार्ट है? माइनिंग एंड क्वेरिंग मीन्स हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मिनरल्स को. राइट, तो ये है हमारे प्राइमरी सेक्टर का पार्ट. सेकेंडरी सेक्टर में अगर हम देखें मैम तो हमारा क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इसका पार्ट है जिसमें हम एक रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करें किस में? फिनिश्ड गुड में. उसके बाद बात करें मैम, आता है हमारा टर्शरी सेक्टर, द ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग है मैम, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म एंड इंश्योरेंस, ये सब किसके पार्ट है? ये हमारे सर्विस सेक्टर मींस मैम टर्शरी सेक्टर का पार्ट है. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? तो देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती है जो जनरेट करती है सम काइंड ऑफ इनकम. राइट, ठीक है, तो अगर हम लोग देखें इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इट इन्वॉल्व रॉ मटेरियल, मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड बाइंग. क्या क्या इन्वॉल्व कर रही है? जिसमें रॉ मटेरियल है हमारे पास, और मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, बाइंग एंड सेलिंग जिसमें हम चीजों को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है, सेविंग कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, ये सब किसका पार्ट है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट है मैम. इट कवर्स अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज, इसमें कवर होती है इंक्लूडिंग शॉपिंग करने जा रहे हो आप. राइट, वो एक आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिसमें आप जो है किससे रिलेट कर रहे हो? मनी से रिलेट कर रहे हो. ट्रैवलिंग मैम, ये हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. ओपनिंग ऑफ अ बैंक अकाउंट, आप मनी से रिलेटेड काम कर रहे हो वहां पे. क्या कर रहे हो आप अपने पैसे को वहां पर जमा करवा रहे हो या वहां से विड्रॉ करवा रहे हो. ग्रोइंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये क्या है मैम? इकोनॉमिक एक्टिविटी है. एटसेट्रा, फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर वर्किंग एट हिज क्लिनिक, किस लिए काम कर रहे हैं? कुछ इनकम जनरेट करने के लिए कर रहे हैं. राइट, तो ये क्या है मैम? ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है.
अगर हम लोग बात करें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन इट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन। अब एक वेजिटेबल्स की बात करें, जैसे मैंने वेजीज उगाई, किसके लिए उगाई? अपने गार्डन में उगाई, सिर्फ अपने पर्सनल फैमिली यूज के लिए। तो वो क्या है? वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। मैं उसको यूज कर रही हूँ सिर्फ और किसके लिए? अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। तो देखिए, इट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए होती है। दिस मीन्स that these activities are not related to wealth. ये wealth से related नहीं है। मैं खुद को satisfy करने के लिए काम कर रही हूँ। It won't make you richer or poorer नहीं बनाएगी। It includes hobbies that are done for one's personal interest, जो आप किसके लिए कर रहे हो? अपने personal interest के लिए कर रहे हो। जैसे for example, a child helping an old man to cross the road. अब इसमें उस बच्चे को कोई बेनिफिट है? ये एक आपका अच्छी नेचर है, अपनी आपका वैल्यू सिस्टम दिख रहा है, और आपने इतनी अच्छा काम किया कि उस बच्चे ने एक पर्सन को रोड क्रॉस करवाया। तो उसमें उसको कोई अपना पर्सनल मतलब था, कोई उनको पैसे मिल रहे थे? नहीं, एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन था और एक बहुत अच्छा जो है एक वैल्यू सिस्टम उस बच्चे का था जिसने ये अच्छा कॉज जो है किया, राइट? वो कहते हैं ना, वर्क फॉर कॉज। किसी कभी कभी क्या होता है, कुछ अच्छी चीजों के लिए भी हमें काम करना चाहिए, राइट? चलो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? व्हाई आर वुमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क? वुमेन को क्यों एम्प्लॉय किया जाता है लो पेड वर्क में? खैर, अभी तो सिस्टम मैंने बोला ना, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है, आप लोग ओपन माइंडेड हम होते जा रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं होता है मेन एंड वुमेन में। वी ऑल आर सेम मैम, वी ऑल आर इक्वल। तो इसी के चलते देखिए, द वुमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क में उनको एम्प्लॉय किया जाता है, उन्हें रोजगार दिया जाता है, क्योंकि अ मेजॉरिटी ऑफ वुमेन इन द कंट्री आर लेस एजुकेटेड। अभी भी हम कितने भी ओपन माइंडेड हो जाए मैम, आज भी हमारे यहाँ पे जो वुमेन का लिटरेसी रेट है वो कम है। तो अ मेजॉरिटी ऑफ वुमेन इन द कंट्री आर लेस एजुकेटेड देन मेन, मेन से लेस एजुकेटेड है। दस दे आर प्राइमरली वर्किंग एज अनस्किल्ड लेबर। अब अनस्किल्ड लेबर में हमेशा क्या होता है, कोई पैकेजिंग का काम है, कुछ तोड़ने का, जैसे टी लीव्स गार्डन में काम कर रही तो टी लीव्स तोड़ रही हैं, राइट? तो वो इस तरीके के जो अनस्किल्ड काम है, तो ऑब्वियसली उनमें जो सैलरीज होती हैं, वेजेस होती हैं मैम, वो बहुत कम होती हैं, राइट? दस दे आर प्राइमरीली वर्किंग एज अनस्किल्ड लेबर एंड दस गेट फ्यूअर वेजेस। बहुत कम वेजेस जो है वो उनको मिलती हैं। दे मेनली वर्क इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। वो मेनली कहाँ काम करती है मैम? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, वेयर दे गेट लो वेजेस, जहाँ पे उनको क्या मिलती हैं? कम। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि सैलरीज जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, जॉब फिक्स नहीं होती है लोगों की, तो बहुत कम सैलरीज पे वो काम करती है, कम वेजेस पे, राइट? सिंस मोस्ट ऑफ द वुमेन आर अनएजुकेटेड, दे आर अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड अबाउट द मिनिमम वेजेस। देखिए, हमारा एक मिनिमम वेजेस एक्ट है कि एटलीस्ट बेसिक इतनी सैलरी तो उस काम के लिए आपको मिलेगी, पर जब वुमेन्स जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, अवेयर नहीं है अपने राइट्स के लिए, तो आवाज़ कैसे उठाएंगी, राइट? सिंस मोस्ट ऑफ द वुमेन जो है अनएजुकेटेड हैं, दे आर नॉट अवेयर ऑफ मैम, उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता और एंड अबाउट द मिनिमम वेजेस के बारे में उनको नहीं पता होता, तो जितना मिलता है वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। दे आर बिलीव फिजिकली इंफीरियर टू मैन। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वैसे माना जाता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। माना जाता है कि वो फिजिकली कम स्ट्रांग होती है किससे, मेन से, बट ऐसा नहीं है। क्या आप नहीं जानते हैं हमारे इंडिया की में कितनी सारी वेट लिफ्टर वुमेन है, राइट? कितनी सारी वुमेन रेसलिंग करी इक्वली मेन के साथ। तो ये सब क्या है, वो एक एग्जांपल है कि वुमेन जो है इक्वली क्या है मैम, स्ट्रांग है, राइट? तो ऐसा नहीं होता है कि वो फिजिकली जो है वो स्ट्रांग नहीं होती है, बट हाँ, एक थॉट है, सोसाइटी का एक थॉट है जिसको सोच को बदलने में टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों की सोच बदल जानी चाहिए और आप ये मानते हैं कि वुमेन जो है उनमें इक्वली कैपेबल है जितने की मेन है, है ना? चलो, हमें अच्छी बातें भी सीखनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है?
हाउ विल यू एक्सप्लेन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, आप अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? देखिए मैम, एक अनएम्प्लॉयमेंट वो कंडीशन होती है जिसमें जो इंसान को जो है वो जॉब नहीं मिलती जो जितनी उनकी पोटेंशियल होती है उसके अकॉर्डिंग, राइट? तो देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कंडीशन, वो एक ऐसी कंडीशन है इन विच जिसमें स्किल्ड एंड एबल्ड इंडिविजुअल, जिनके पास स्किल है, डिग्रीज हैं, सब कुछ है, राइट, डू नॉट गेट गेनफुल जॉब्स एट अ डिसेंट वेज. अब देखिए, मतलब मान लीजिए मैं बहुत एजुकेटेड हूँ लेकिन मैं काम बहुत एक छोटा सा कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल पाए. मैं विलिंग हूँ काम करने के, ठीक है, मेरे पास डिग्रीज हैं, सब कुछ है, लेकिन मुझे मेरी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वो काम नहीं मिल पाया, राइट? दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, ठीक है. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स इन रूरल पॉपुलेशन. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अब देखिए, एग्रीकल्चर है, उसमें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने को मिलती है. कुछ सीजन ऐसे होते हैं जब हम फसल उगाते हैं, कुछ टाइम ऐसा होता है साल के जिसमें जो हमारे खेत होते हैं खाली होते हैं. तो जो बिल्कुल फार्मिंग में लगे हुए, क्या उन कुछ टाइम ऐसे होते हैं मंथ के जो वो बिल्कुल उनके पास काम नहीं होता? मान लीजिए कोई टी गार्डन्स में ही काम करे, तो टी गार्डन्स में हमेशा तो ऐसा नहीं है कि लीव्स रहेंगी, कुछ सीजन रहती हैं, कुछ नहीं होते. जिन सीजन्स में लीव्स हैं तो उनको वो प्लकिंग का काम मिल रहा है, जिनमें लीव्स नहीं है तो वो कुछ नहीं है, वो अपने घर में बैठे हुए हैं. तो अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उनको काम नहीं मिल पाता है, वो क्या होती है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. मीन्स कुछ सीजन में काम है, कुछ में काम नहीं है. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अगर इन द रूरल पॉपुलेशन में ज्यादा देखने को मिलती है. एंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कहाँ देखने को मिलती है मैम? अर्बन एरियाज में. बहुत सारे यूथ जो होते हैं बहुत एजुकेटेड होते हैं, दे डिजर्व बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, लेकिन उनकी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग मैम उनको जॉब्स नहीं मिल पाती है. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? What is the difference between the disguised unemployment and seasonal unemployment? देखिए, disguised unemployment वो unemployment होती है जिसमें जितने लोगों की जरूरत है उस जरूरत से ज्यादा लोग उसमें काम कर रहे हैं, और जो वो जरूरत से ज्यादा लोग काम करे अगर उसको उस काम से हटा भी दिया जाएगा तो उस काम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, ये एक फील्ड है हमारे पास, ये एक फील्ड है मैम, एक और फील्ड ले लेते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के लिए देख लेते हैं मैम. ये एक फील्ड है हमारे पास और इस पे क्या है, हम लोगों ने फसल उगा रखी है, ठीक है, फसल उगा रही है एक फैमिली, और इसमें भी ये सेम फील्ड है. अब देखिए, यहां पर एक फैमिली के 5 मेंबर जो हैं वो काम कर रहे हैं और प्रोडक्शन है टोटल ओवरऑल मान लीजिए 100 kg प्रोडक्शन होता है. 5 मेंबर काम करते हैं और प्रोडक्शन है मैम 100 kg. अब मान लीजिए इस वाले फील्ड में की बात करते हैं, यहां पर वही सेम फील्ड है, फैमिली के 2 मेंबर काम कर रहे हैं तो भी प्रोडक्शन कितना है मैम? 100 kg. डिफरेंस क्या हुआ जल्दी से मुझे बताइए, डिफरेंस क्या हुआ? यहाँ पे मैम ये जो 3 मेंबर्स हैं, मान लीजिए मैंने ये जो एक्स्ट्रा 3 मेंबर है, वहाँ 2 मेंबर है ना, यहाँ के कितने हैं? 3 मेंबर्स को मैंने यहाँ से हटाया और 2 मेंबर्स ने भी काम किया तो भी 100 kg है और वैसे भी 100. ये 3 मेंबर्स अगर इधर होंगे या नहीं होंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैम, प्रोडक्शन 100 kg ही है, जरूरत सिर्फ 2 मेंबर की ही है यहाँ पर, लेकिन जरूरत से ज्यादा 3 मेंबर एक्स्ट्रा यहाँ पर काम करें तो ये क्या है? ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है. इसका मतलब ये 3 मेंबर जो है इनके पास पोटेंशियल है कुछ और अच्छा करने की, लेकिन इनके पास कोई काम नहीं है तो ये मिल के अपनी फैमिली की हेल्प करे. डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है यहाँ पे, मींस सबका काम तो बढ़ जाएगा, मतलब एक हेल्प तो हो जाएगी लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो लोग अपनी पोटेंशियल से कम काम कर रहे हैं. इसे बोलते हैं हम छुपी हुई बेरोजगारी, मींस मैम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. मींस जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, अगर वो हो या नहीं हो प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ये 3 लोग यहाँ होते नहीं होते कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, प्रोडक्शन कितना हो रहा है मैम? 100 kg का ही हो रहा है, राइट? देखिए,
डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, ए कंडीशन इन विच मार्जिनल राइट लेबर प्रोडक्टिविटी इज नल, कितनी है, बिल्कुल नल है, अगर वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा. इट इज नॉट एविडेंट एंड इज आइडेंटिफाइड प्राइमरली इन फार्मिंग बिटवीन वेज एंड अर्नर्स. अगर हम लोग देखें अ कंडीशन जिसमें जो हमारी मार्जिनल लेबर प्रोडक्टिविटी क्या होती है, बिल्कुल जीरो, मतलब उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मैम, ठीक है. इन सम इंडस्ट्रीज सच एज एग्रीकल्चर, हमने क्या देखा था, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ टाइम तो हमारे पास काम होता है साल के और कुछ टाइम काम नहीं होता है. एग्रीकल्चर हैविंग जॉब्स फॉर जस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, कुछ समय, साल के कुछ टाइम ही हमें काम होता है, इज कंसीडर एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मैम, हम उसको बोलते हैं. अगर हम बात करें, इट इज मेनली फाउंड इन कहाँ पे, एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी मेनली कहाँ, एग्रो बेस इंडस्ट्री में देखने को मिलती है. इट इज यूज्ड मेनली इन द एग्रो बेस सेक्टर में हमें देखने को मिलती है. इट इज लोकेटेड सोनली इन रूरल एरियाज में होती है. ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है मैम, ये बोथ रूरल एरियाज में भी देखने को मिलती है, अर्बन एरियाज में भी देखने को मिलती है. कुछ काम होते हैं जो साल के कुछ टाइम पे चलते हैं, राइट, कुछ होते हैं वो बाद में नहीं चलते. जैसे आप देख रहे हो आइसक्रीम है, अब आइसक्रीम क्या है, गर्मियों में बहुत ज्यादा बिक रही है, लेकिन कुछ टाइम होगा, अब जैसे ही सर्दियां आई तो उसके बाद उसका काम थोड़ा कम हो जाएगा, तो वो दूसरे बिजनेस की साइड स्विच करेंगे, थोड़ा टाइम जो है उसमें गैप आ जाएगा, राइट. तो देखिए, द जॉब नीड्स द सर्विस ऑफ 5 पर्सन है बट 8 इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व. मान लीजिए कोई काम है खेत में जहाँ पे कितने लोगों की जरूरत है, 5 की जरूरत है, और इन्वॉल्व कितने, 8, तो वो क्या है मैम, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है. देर आर सेवरल प्रोडक्टिविटी फेज होते हैं वेन हार्वेस्टिंग सोइंग थ्रेशिंग एंड वीविंग इज डन. कुछ टाइम में सिर्फ क्या हो रहा है, हार्वेस्टिंग हो रही है मैम, कुछ टाइम में अगर हम लोग मैम सिर्फ बीज बोए जा रहे हैं, तो कुछ कुछ टाइम का जो है उसमें क्या आता रहता है मैम, गैप आता रहता है, तो वो क्या है, हमारी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है. वाई इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड अ पेक्यूलियर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया. देखिए, अगर हम लोग बात करें शिक्षित बेरोजगारी, हम बोलते हैं मैम एजुकेटेड हो, और एजुकेटेड ही बहुत ज्यादा बेरोजगार है, ये कुछ अनोखी सी समस्या नहीं है, बिल्कुल है मैम. अगर हम लोग बात करें, देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकल क्वालिफाइड पीपल, बहुत ज्यादा लोग हैं जो टेक्निकली क्वालिफाइड हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप जैसे मान लीजिए पहले क्रेज था आईटी सेक्टर का, और जब वो 2000 में जब वो शुरू हुआ, उस टाइम पीरियड के बाद बहुत सारे लोग उसी फील्ड में जाना शुरू हो गए कि हाँ अच्छे पैकेजेस होते हैं, अच्छे, अब वो इतना सरप्लस, इतना ज्यादा हो गया है, अब इतनी ज्यादा किसी भी चीज में मैन पावर हो जाएगी, लेकिन कंपनीज तो लिमिटेड है. अब मान लीजिए लाखों बच्चे वो कर रहे, मान लीजिए लाख बच्चे कर रहे हैं और कंपनीज 100 है, तो वो कितनों को एम्प्लॉय कर देगी, मींस इतने ज्यादा वो लोग उस फील्ड में एजुकेटेड हो चुके हैं कि नंबर ऑफ, अगर एम्प्लॉयमेंट कम है, यूथ ज्यादा एजुकेटेड है उस पर्टिकुलर सेक्शन में. अगर हम बात करें इन पैराडॉक्सिकल पर्सनल सिनेरियो, सर्टेन टाइप्स ऑफ मैन पावर हैव सरप्लस, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कुछ में तो मैम मैन पावर इतनी ज्यादा है कि वहां पे सीट्स तो लिमिटेड है, लेकिन लोग बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा लोग उस पर्टिकुलर टेक्निकल फील्ड में एजुकेटेड हो गए, तो इस वजह से क्या होता है कि उनको वो जॉब्स अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, मिल पाती है तो कुछ ही लोगों को मिल पाती है, इतने सारे जो यूथ है, क्योंकि इतनी सारी अवेलेबिलिटी नहीं है वहां पर, तो उनको जॉब नहीं मिल पाती है. अगर हम लोग बात करें, बिकॉज डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर इज सो मॉडेस्ट इन इंडिया सिटीज, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ यूनिक कंसर्न इन दीज टू इंडस्ट्रीज. किस किस में मैम, हमारा जो मेन जो एजुकेटेड यूथ किस में देखने को मिलता है, मैं एक सेकेंडरी सेक्टर में, एक टर्शरी, और स्पेशली टर्शरी में बहुत ज्यादा, पर एक मॉडेस्ट रूप से अभी जिस तरीके से ये चल रहे, उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मैम ये जनरेट नहीं कर पा रहे. क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि हमारा जो प्राइमरी सेक्टर
सेक्टर है आज भी इंडिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर कौन सा है, चाहे भले ही पहले के कंपैरिजन में कम हो, वो कौन सा है मैम? प्राइमरी सेक्टर है हमारा, एग्रीकल्चर सेक्टर। अब बच्चे क्या है, डे बाय डे जो है एजुकेशन बढ़ रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं अपने बच्चों को एजुकेटेड करें, लेकिन हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड जो हमारा टर्शरी सेक्टर वो उतनी तेजी से एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहा है जितनी तेजी से होनी चाहिए, वो मॉडेस्ट वे में अभी काम कर रहा है, राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है मैम, इन विच फील्ड डू यू थिंक इंडिया कैन बिल्ड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी? आप बताइए कि कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें जो है इंडिया मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है बना सकता है। इंडिया कैन बिल्ड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। अभी भी आज के टाइम में भी ना हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, मैं तो ये बोलूंगी हर सेक्टर में जो है कोशिश करनी चाहिए। आपको पता है टूरिज्म की अगर बात करें, प्लानिंग कमीशन की एक बार एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बोला गया था कि आपको पता है कि अगर टूरिज्म पे अच्छे से सरकार खर्चा करे और उसको मॉडिफाई करे तो एक टूरिज्म में हर साल जो है 35 लाख जॉब्स जनरेट होगी। सिमिलरली एजुकेशन सेक्टर को इंप्रूव किया जाए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह स्कूल्स फैसिलिटी जो प्रॉपर तरीके से जो है टीचर्स को जो है जॉब्स दी जाए, तो अगर हम माने तो भी मैम 20 लाख जॉब्स जनरेट होती हैं। तो इस तरीके से अगर देखें तो प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट्स को ध्यान में रहते हुए अगर सरकार काम करे तो देखिए टूरिज्म हो गया, किसका पार्ट है, टर्शरी सेक्टर का पार्ट है, राइट? तो अगर हम लोग बात करें और भी जो अपॉर्चुनिटीज है, हम एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, सेकेंडरी टर्शरी, तीनों में जो है इक्वली एक कोशिश करनी चाहिए किसकी जो है अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करने की। इंडिया कैन बिल्ड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इट इज एंड इट्स बेस्ड इंडस्ट्री, उससे बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है इंडिया को ज्यादा, मीन्स प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर अब्सॉर्बिंग सेक्टर, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लेबर जो है उसमें लगता है, तो लेबर अब्सॉर्बिंग है तो मीन्स लेबर चाहिए भी होगी, मीन्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है वहां पर। When the efficient and quality packaging happen with agricultural products, then it can generate a lot of employment opportunities, right? आपने देखा है बहुत सारे जो है organic brands भी आ गए हैं। अब क्या होता है ना, जब नया youth जो है अपने तरीके से सोचता, नई नई बातें लाता है, चीजें पुरानी हैं लेकिन उनको modify करके नए way में उतारा जाता है, तो वो कितना अच्छा होता है, कितना productive होता है, right? तो अगर हम देखें कि agriculture sector जो है मैम maximum employment जो है वो generate कर सकता है, क्योंकि अभी भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मैक्सिमम इंडिया में कौन सा सेक्टर आ गया है मैम, प्राइमरी सेक्टर ही आ गया। भले ही प्रोडक्टिविटी के मामले में हमारा टर्शरी सेक्टर अब आगे निकल चुका है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में अभी भी सबसे बड़ा रोल किसका है, एग्रीकल्चर सेक्टर का है मैम। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कैन यू सजेस्ट सम मेजर्स इन द एजुकेशन सिस्टम टू मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट? क्या आप कोई मेजर्स बता सकते हैं एजुकेशन सिस्टम में जिससे जो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो खत्म हो? क्या हम किस तरीके से अपने एजुकेशन सिस्टम जो है वो ठीक कर सकते हैं? देखिए बहुत सारी क्या होता है कि हमारे इंडियन, ये मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, हमें क्या होता है कि हम आपको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, राइट? हमें कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, 5। कुछ बच्चे होते हैं कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कुछ में अच्छे नहीं होते, लेकिन हम ओवरऑल देखते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो साइंस में बहुत अच्छा, बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, राइट? साइंस में बहुत अच्छा, साइंस की भी पर्टिकुलरली अगर देखें वो केमिस्ट्री में बहुत अच्छा है, मींस हम उसका स्कोप कहाँ देख पा रहे हैं, साइंस के केमिस्ट्री में। अब वो केमिस्ट्री में ही आगे अपनी एजुकेशन करे बाकी सब्जेक्ट्स को साइड करके, मतलब ये नहीं कि बाइक मैम ने कहा था भाग, मैं आपको बता रही हूँ कि बाहर कुछ कंट्रीज में करता है, कि अब उनके देख लिया गया है कि वो बच्चा किस फील्ड में आगे, केमिस्ट्री में, तो अब उसी में अगर उसमें और इम्प्रूवमेंट की जाए और उसको उसी फील्ड में आगे से आगे कोई अप्लाइड केमिस्ट्री इस तरीके से पढ़ाई जाए तो वो कितना ज्यादा ग्रो करेगा उस सेक्शन, मतलब सेक्टर में, राइट? तो क्या होता है बाकी की वजह से उस सब्जेक्ट की ग्रोथ भी रुक जाती है।
है ना, तो ये होता है। तो अगर क्या हो कि मेरा अपना पर्सन कि उस पर्टिकुलर से मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, थोड़ा सा स्टडीज में नहीं मजा आ रहा है, लेकिन देखा जाए कि मैम वो स्विमिंग में बहुत अच्छा है, ठीक है, अब वो स्विमिंग में ही उसको आगे से आगे आगे से, क्योंकि ये मैं हमेशा मानती हूँ कि हर किसी में अपना एक स्किल तो होता ही होता है, नो डाउट, बस आपको अपने अंदर आइडेंटिफाई करना होता है, राइट। तो कहने का मतलब ये है, वैसे भी अब इंडियन गवर्नमेंट की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है, ओवरऑल डेवलपमेंट की, सिर्फ ये नहीं है कि पढ़ाई 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 और रॉट लर्निंग करनी है, आपको जो है हर डायमेंशन में जो है चारों साइड से अपने आप को इम्प्रूव करना है, वो एक अच्छी बात भी है, राइट। चलिए, द सजेशन आर मेंशन बिलो, एम्फसाइज शुड बी लेड ऑन स्किल डेवलपमेंट। जैसे मैंने बताया हर किसी के अपने स्किल्स हैं, उन स्किल्स को अगर डेवलप किया जाए तो वो कितना अच्छा है उस यूथ के लिए। टेक्निकल एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड, टेक्निकल एजुकेशन, क्योंकि अब हम एडवांस हो गए, अब हम मॉडर्न डेज की साइड है, तो टेक्निकल एजुकेशन का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैम। वोकेशनल एजुकेशन शुड बी इंट्रोड्यूस, वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए। द प्रॉब्लम ऑफ द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड कैन बी मिटिगेटेड बाय प्रोवाइडिंग देम प्रोफेशनल एजुकेशन, अगर उनको दी जाए, किस तरीके की मैम, अगर उनको हम प्रोफेशनल एजुकेशन दें तो मैम वो उनके लिए बहुत अच्छी है। The problem of the educated unemployed can be mitigated by providing help by educated unemployment by starting modern techniques of farming. देखिए कुछ क्या होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्या होगा कि अगर उनको मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प की जाए, आप तो देखिए बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं बच्चे, भले बड़े जब आप हो जाएंगे तो एग्रीकल्चर फील्ड के लिए अलग स्टडीज हैं, राइट। तो देयर आर लॉट ऑफ ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस होती है जिनमें जो है एग्रीकल्चर के लिए अलग स्टडीज है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए अलग स्टडी है, राइट, बॉटनी है जिसमें आप प्लांट्स की स्टडी कर रहे हो, तो आप बहुत केयरफुली, कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों के लिए भी एक सजेशन है, जब आप थोड़े से 11 12th में स्ट्रीम्स चूज करते हो तो ऐसा नहीं अपने फ्रेंड को देख के, हाँ मेरा फ्रेंड उसमें है तो मैं उसमें ही जाऊंगा, नहीं, आप देखिए आपकी पोटेंशियल किस में है। आपको लगता है कि मैम नहीं, मुझे प्लांट्स की स्टडी करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे प्लांट्स में, जो नेचर लवर हूं मैं बॉटनी करना चाहता हूं, तो आपने अगर साइंस लिया है फिर आगे आप सोचिए, उन अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए, आपके घर के बड़ों के साथ डिस्कस कीजिए, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस कीजिए कि मैम इसमें मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूं, मुझे क्या क्या चीजें हैं जो मैं इसमें करूं और मैं आगे इसमें अपना फ्यूचर देख सकता हूं। ऐसे सोच समझ के अगर कोई करेंगे तो आगे के लिए वो बहुत अच्छा होगा, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कैन यू इमेजिन सम विलेज विच इनिशियली हैड नो जॉब अपॉर्चुनिटी बट लेटर केम अप विद मेनी। तो देखिए वैसे तो ये काम आपके लिए है, लेकिन फिर भी, रामपुर वॉज अ स्मॉल विलेज, ठीक है, एक रामपुर एक स्मॉल विलेज था जो हमारी स्टोरी में ही दिया है, विच इनिशियली डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर विच वॉज ऑल्सो डिपेंड ऑन रेनफॉल। देखिए रामपुर एक विलेज है जो किस पे डिपेंड है मैम, एग्रीकल्चर करते हैं, वहाँ के लोग क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे, और वो भी किस पे डिपेंड है, रेनफॉल पे, मीन्स बारिश होगी नहीं होगी, अगर मान लीजिए अब उनको फसल के लिए किसकी जरूरत है, पानी की जरूरत है, पर बारिश तो अपने टाइम की होगी ना, हमारी मर्जी से थोड़ी होगी, तो रेनफॉल के लिए जो मतलब अपने खेतों में सिंचाई के लिए वो रेनफॉल पर डिपेंड है। उसके बाद अगर हम बात करें, देन इलेक्ट्रिसिटी रीच द विलेज एंड पीपल कुड इरीगेट देयर फील्ड एंड कुड ग्रो 2 to 3 क्रॉप्स इन अ ईयर एंड गेट वर्क। देखिए अब क्या हुआ, उस गांव में रामपुर में आई मैम बिजली, बिजली आई तो खुशियां लेके आई, कहने का मतलब ये दो से तीन क्रॉप्स जो है अब वो उगा सकते हैं, क्योंकि बारिश पे जब डिपेंड होंगे तो एक आधी क्रॉप उगा पाएंगे, बारिश नहीं हुई तो फसल नहीं होगी, लेकिन अगर अब बिजली आ गई तो वो अपनी कभी भी वो ट्यूबवेल्स को स्टार्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से और अपने खेतों को पानी दे सकते हैं, तो साल में अब वो 2 से 3 फसलें मैम उगाना शुरू कर दी। सम पीपल सेटअप छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी उन्होंने शुरू कर दी विच कुड बी रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, जो किससे चलती है, बिजली से, एंड प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू पीपल। अब देखिए अब बिजली आई है तो मैम उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसे हम
कॉटेज इंडस्ट्रीज भी होते हैं, जिसमें फूड प्रोसेसिंग हो गया, अचार पापड़ बनाना या कोई भी छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग करना, इस तरीके के काम किए जाते हैं, राइट। तो बिजली आने से कुछ लोगों ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोली, तो वो भी एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स जो है वो जनरेट हुआ। तो हमने क्या देखा, रामपुर जो है पहले कैसे था मैम, पहले जो है वहाँ के लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, और वो भी किस पर डिपेंड है, रेन पर डिपेंड है इरीगेशन के लिए। लेकिन आज के टाइम में अगर हम लोग बात करें मैम, इलेक्ट्रिसिटी जब उस गांव में पहुंची तो वो साल में 2 से 3 फसलें उगा पा रहे हैं, और साथ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो किससे रन हो रही है, किससे मैम, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तो लोगों ने छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी खोल ली हैं। A school was established and now the population started to become educated. अब मैम वहाँ पे स्कूल भी शुरू है, तो अब लोग पढ़ने लगे हैं, अब पढ़ने लगे हैं, result they could seek employment in and outside the village. अब पढ़ा लिखा यूथ है, तो मैम गांव के अंदर भी और गांव के बाहर भी उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी हैं। The village become prosperous and soon has better health, education, transport and job facilities. अब एक बहुत बड़ा जो है शिफ्ट आया है, बहुत वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हुई है, एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव हुआ है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंप्रूव हुआ है, एंड मैम जॉब फैसिलिटीज जो है वो इंप्रूव हुई हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच कैपिटल वुड यू कंसीडर द बेस्ट, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड द ह्यूमन कैपिटल, व्हाई? मैम ह्यूमन कैपिटल सुपीरियर है। क्या लैंड अपने में उसका कोई मीनिंग है? जब तक हम उसको यूज में नहीं लाएंगे, राइट, एक ह्यूमन बीइंग ही है, एक पर्सन ही है जो अपनी एक्सपर्टीज के थ्रू, अपने नॉलेज के थ्रू इन सभी को टुगेदर करता है, राइट। तो देखिए, अमंग लैंड फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, द ह्यूमन कैपिटल इज द बेस्ट बिकॉज ह्यूमन कैपिटल कैन मेक यूज ऑफ लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। एक ह्यूमन कैपिटल ही है जो किसको यूज में ला सकता है, लैंड को, लेबर को एंड फिजिकल कैपिटल को। लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल फॉर इट्स ओन। लैंड और कैपिटल खुद से किसी, अब पैसे सामने रखे हैं, यूज अपने आप थोड़ी चल के जाएंगे किसी शॉप में कि मुझे यूज, हम उनको लेके जाएंगे, हम देंगे और कुछ लेके आएंगे बदले में। इसी तरीके से एक लैंड हो गया या हमारी कैपिटल होगी, अपने में उसका कोई यूज नहीं है जब तक कि हम उसको यूज में नहीं लाएंगे। ह्यूमन कैपिटल इज द कैपिटल इज ओनली द ह्यूमन रिसोर्स दैट यूटिलाइज अदर रिसोर्सेज। हम वो हैं जो दूसरे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल ही एक ऐसा रिसोर्स है, पीपल ही एक ऐसे रिसोर्स है जो बाकी रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या लैंड हमें यूटिलाइज कर सकती है? नहीं। कैपिटल हमें यूटिलाइज कर सकता है? नहीं। अपने से कोई हमें, हम ही हैं जो दूसरों को यूटिलाइज कर सकते हैं, हम ही हैं जो अपने नॉलेज एंड एक्सपर्टीज के थ्रू जो है सारी चीजों को एक कर सकते हैं, राइट। रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड इन्वेस्टमेंट विच कैन नॉट बिकम बेनिफिशियल ऑन देयर ओन, अपने आप वो बेनिफिशियल नहीं हो सकते, हम उन्हें बेनिफिशियल बना सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस खत्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं यूट्यूब पर एंड हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर। हमारे पास ई नोट्स एंड ई बुक्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉप कोर्सेज की बात करें मैम, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड की क्लासेस भी हैं हमारे पास। वैदिक मैथ्स की क्लासेस भी हैं, क्रैश कोर्स भी कराए जाते हैं एंड स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी हैं हमारे पास। इसी के साथ हमारा जो सेशन है वो खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे।